गाना कम से कम, नहीं तो मैंने 10 बार गाना कम से कम मैंने 10 बार देख लिया होगा, क्योंकि इतना ही इतना अच्छा है और इतना अच्छा मेरे भाई ने डायरेक्ट किया है उसको. सो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. और उन्होंने इतना अच्छा काम भी किया है. एंड डेफिनेटली जब एक फ्रेम लगता है तो फ्रेम की ब्यूटी होना बहुत ज़रूरी है. तो उस पूरे फ्रेम की ब्यूटी हमारी वैष्णवी दीदी हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है म्यूज़िक वीडियो में, और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं. ऑलरेडी जब एक निगम ब्रदर्स में एक ब्रदर काम कर रहे थे तो उसमें मेरा आई डोंट थिंक तो मेरा वहाँ पे होना ज़रूरी था, बिकॉज वॉर्न ब्रदर्स रिकॉर्ड लेबल पे ही ये गाना है. एंड मेन हमारा टारगेट था हैशटैग अभिनवी का सॉन्ग लाना, जो कि हमारे जो फैंस हैं अभिनवी के, जितने भी फैंस हैं, सब बहुत अरसों से वेट कर रहे थे कि जल्दी से अभिनवी का सॉन्ग आए. सो फाइनली वो सॉन्ग आ गया है, तो ढेर सारा प्यार दीजिए. डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, और मैं स्पेशली मम्मी को थैंक्स कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, बिकॉज उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया है कि हम नई नई चीज़ें करें, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और कुछ ना कुछ सीखते रहें. तो आई थिंक ये जो लेबल का हमारा आइडिया भी था, ये आइडिया को सक्सेसफुल हमारी मम्मी ने बनाया. इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि यस तुम लोग एक्टिंग करते हो, बट एक्टिंग के साथ साथ दूसरी फील्ड में भी तुम लोगों को सीखना चाहिए. तो आई थिंक ये लेबल हमने ओपन किया और अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, और आई थिंक हमेशा सीखते रहेंगे और ऐसे अच्छे अच्छे गाने हम हमेशा बनाते रहेंगे और आप सबसे शेयर करते रहेंगे. पहला प्लान तो यही था, बिकॉज द मंथ ऑफ लव, तो सबसे पहला प्लान हमारा यही था कि हसदी रिया को हम इस मंथ ही लॉन्च करेंगे, बिकॉज 14 फेब को वैलेंटाइंस डे है. और इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग जब 14 फेब को बनेगा अपने अपने पार्टनर्स के लिए कि भाई तू हसदी रिया कर, क्योंकि जब वो उदास होती हैं, सैड होती हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. इसलिए गाना गाने का नाम ही हसदी रिया कर, और ये सबसे बड़ा प्लान था. रेस्ट 14 फेब का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है. मम्मी के साथ अरे मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है. मेरे दोनों बच्चे इस मतलब बॉर्न ब्रोस को इतना अच्छा बना बना के प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जो मैंने सिर्फ लॉन्च किया था, इनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था. सो मुझे पता नहीं था कि ये लेवल इतना अच्छा है, दोनों भाई उठाएंगे, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है. कि देर से डालते हैं गाना थोड़ा, बट डालते हैं, मम्मी का बना के रखते हैं. मम्मी ने हमेशा सिखाया है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी बहुत होता है क्योंकि अभी मैं अलादीन के सेट पे डेली जाती थी, बट मैं हीरो के सेट पे ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ. तो ये बड़ा होके भी मेरे से बच्चों वाली हरकत करता है कि आप सिद्धार्थ के सेट पे डेली जाती थी, फ्रेम पे सामने बैठती थी, मेरे पास क्यों नहीं आती, मैं सौतेली माँ का हूँ क्या? ऐसा ही मेरे से लड़ाई करता है. बट मैं बोलती नहीं, तू भी बेटा है, ये भी है भाई, ऐसे कैसे बोलते हो. मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो बॉन्डिंग है मेरी और मेरे बड़े भाई की, सबको बहुत पसंद आती है. वो इसलिए आती है बिकॉज हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, और ये जब आप जब किसी भी रिलेशन में इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती. और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये अगर मुझे मारते भी हैं तो मेरे अच्छे के लिए, अगर मुझे डांटते हैं तो मेरे अच्छे के लिए. तो और अगर मुझे अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना होता है, या फिर मैं कोई भी काम करता हूँ रिलेटेड टू माई एक्टिंग, रिलेटेड टू माई एनी प्रोजेक्ट, तो आई ऑलवेज यू नो गो टू हिम एंड आस्क कि दादा ये सही है या गलत है. तो लाइक आई डोंट हैव माई फादर, तो आई वुड डेफिनेटली से कि ये मेरे पापा जैसे हैं जो मुझे हमेशा सही गलत में फ़र्क बताते हैं. ज़्यादा मत बोलो, रोने लगा. माशाल्लाह, देख सकते हैं क्या बात है. मतलब अच्छा आइडिया है, और मतलब हम कोशिश भी करेंगे कि ऐसा कुछ हो और हम लोग बहुत जल्दी अब साथ कोई प्रोजेक्ट करें, कभी आएँ. पर अभी तक ऐसा कोई माहौल या ऐसा कोई मौका नहीं मिला, ऐसा कोई दस्तूर नहीं बना है. बट ऑफकोर्स फॉर श्योर मैं और सिद्धार्थ एक साथ एक बार ज़रूर काम करना चाहेंगे.